गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीके दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रस्तुत हूं एक क्लास सेवेंथ के एक वीडियो लाइट टॉपिक का नाम चैप्टर 14 का टॉपिक है लाइट पार्ट टू। पार्ट टू ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, आप पढ़ भी चुके हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मिले हैं उसके ऊपर। तो आपने इतना अच्छा अच्छे तरीके से वीडियो को देखा, मैं आपको थैंक्स करता हूँ, सबको आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टार्ट द लाइट पार्ट टू। तो लाइट पार्ट टू में हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, आप इसमें प्रीवियस जो वीडियो था, अगर मैं बात करूं प्रीवियस वीडियो के बारे में जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा, कि पहले उसमें लाइट क्या है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, उसमें प्लेन मिरर क्या में इमेज कैसे फॉर्म होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेइंग विथ मिरर, यानी मिरर पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ इमेज इज फॉर्म बाय द मिरर, स्पेशली स्फेरिकल मिरर, और दूसरी चीज़ जो है वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? देखिए, ये जो वाइट कलर का ये स्फेरिकल बॉल दिखाया गया, इट इज ए ग्लास, स्फेरिकल ग्लास बॉल, और इसके दो पीस अगर हम यहाँ से कट करते हैं, देखिए ये दो पार्ट दिखाया गया, तो देखिए ये दो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इफ रिफ्लेक्शन इज टेकन प्लेस थ्रू दिस कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है, अगर रिफ्लेक्शन इस कर्व सरफेस से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ये कर्व सरफेस है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्शन इस साइड से ना होकर के इस साइड से हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये ग्लास सरफेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इनको रिफ्लेक्टेबल बनाने के लिए, मैंने हाउ रिफ्लेक्ट देम, तो क्या करते हैं, कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कर्व मिरर हो, तो प्लेन मिरर के चारों तरफ, अभी प्लेन मिरर है ग्लास पीस है, इसके तरफ चारों तरफ हम सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं, सिल्वर की एक लेयर चढ़ा देते हैं। सिल्वर चूंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है, मेटल होता है, गुड रिफ्लेक्टर होता है, तो ये जो कर्व सरफेस है इसके चारों तरफ हम लोग सिल्वर की पॉलिशिंग कर देंगे। ठीक है, तो पॉलिशिंग करने के बाद से ये सिल्वर पॉलिश रिमूव ना हो जाए, इसलिए इसके चारों तरफ लेड ऑक्साइड की एक लेयर लगा देते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमने जो है ये मिरर लिया, ठीक है, ये मिरर, और इसके सॉरी इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जा रहा है, अगर हम ये जैसे ये मिरर है, ठीक है, मिरर के चारों तरफ रेड कलर या सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं। ठीक है, ये इसके चारों तरफ सिल्वर की पॉलिशिंग करेंगे, ऐसे वाइट कलर का सिल्वर पॉलिशिंग हो जाएगा, और इसको रेड ऑक्साइड से प्रोटेक्ट कर देंगे, तो मिरर बन जाएगा। तो मिरर क्या होगा, मिरर इज पॉलिश्ड आर स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट लाइट, यानी एक ऐसा पॉलिश या स्मूथ सरफेस ग्लास का जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये मिरर हो गया आपका। ठीक, मिरर दो तरह का होता है, प्लेन भी हो सकता है और स्फेरिकल हो सकता है। ये आप देखिए, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होंगे, दो तरह के, एक हो गया कॉनकेव और ये दूसरा कॉनकेव। आइए इसके बारे में डिटेल में और क्या पढ़ते हैं। इसमें हाउ द मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से लाइट जब कोई टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, इससे भी लाइट आके रिफ्लेक्ट होती है और इससे भी लाइट आके रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अलग अलग मिलेगा, यहाँ पर पैटर्न नहीं दिखाया गया, बस ये दिखाया गया है कि हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट जब भी मिरर से टकराएगी वो उसी प्लेन में लौट जाएगी। ठीक है,
ओके इसके बाद से स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर के बारे में फर्स्ट वीडियो में ही डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, दोबारा उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर चूँकि वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लास बॉल, एक ग्लास बॉल का पार्ट होता है ऐसे, ये जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, तो वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, जैसे कोई प्लेट हो, कर्व हो, कर्व प्लेट हो इस तरीके का। तो इसके एक साइड में हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिशिंग करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर अगर हमने ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस तरफ पॉलिशिंग करेंगे तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होगा और इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। अगर हम कॉनकेव सरफेस की तरफ पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस होगा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, कॉनकेव सरफेस से, कर्व सरफेस से, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसमें जो है कॉन्वेक्स सरफेस होगा, जो उभरा हुआ सरफेस होता है उस तरफ से होगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉनकेव मिरर में कुछ बातें देखते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव सरफेस होता है, यानी जैसे ये अगर रिफ्लेक्शन इस कॉनकेव सरफेस से हो रहा है तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे, यानी कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा, कॉनकेव सरफेस होगा। अब इसमें क्या और क्या खास बात होती है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो स्मॉल भी बन सकता है, ज़्यादातर स्मॉल बनता है, स्मॉल भी बन सकता है, लार्ज भी बन सकता है, ठीक है ना, स्मॉल और लार्ज, इसके बारे में आप हायर क्लास में डिटेल में आपको बताया जाएगा, बट हियर यू कैन रिमेंबर कि स्मॉल या लार्ज इमेज बन सकता है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से जितना दूर होगा उस हिसाब से इमेज बनेगा, इसको आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि इमेज इसमें इरेक्ट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, ये दोनों जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं इसको आगे हम डिस्कस यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हो कि दो कंडीशन ली गई, हालांकि कॉनकेव मिरर में सिक्स कंडीशन होती है जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, टेंथ क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ कि देखिए ये मिरर की पोजीशन है और मिरर से अगर ऑब्जेक्ट दूर है, जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही स्मॉल साइज इमेज बनेगा, और इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और प्रीवियस स्लाइड में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, इन्वर्टेड जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। तो देखिए जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना छोटा इमेज बनेगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है फोकस, इसके बीच में अगर इस पोल और फोकस के बीच में, इन फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज पीछे बनेगा, जिसको यहाँ पर दिखाया गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को एकदम नज़दीक ला दें मिरर के तो इमेज पीछे बनेगा और ये इरेक्ट बनेगा, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कॉनकेव मिरर में देखिए इमेज स्मॉल बन रहा है, लार्ज भी बन रहा है, और रियल बन रहा है और इन्वर्टेड, दोनों तरह के बन रहे हैं। और रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको नहीं मालूम हो तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए अब ये तो कॉनकेव मिरर के बारे में बताया, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में पहली बात तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है, कॉन्वेक्स सरफेस से होता है, ठीक है, ये इसका ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो रिफ्लेक्शन अगर लाइट इधर से जाएगी तो रिफ्लेक्शन, ऐसे लाइट इधर गई तो ऐसे रिफ्लेक्शन, मतलब प्लेन वही होगा, रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इमेज कैसे बनता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, इसको हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं, इसके ऊपर आप कहीं भी रख दीजिए, मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बनेगा और स्मॉल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही कंडीशन होती है, ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए इमेज स्मॉल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कॉनकेव में क्या देखा था, कॉनकेव में अलग अलग कंडीशन है, दूर है तो स्मॉल बनेगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा इमेज लार्ज होता जाएगा, और एकदम नज़दीक ला देंगे तो वो वर्चुअल इमेज, लार्ज वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, एक कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ यूजेज ऑफ मिरर, मिरर का यूज क्या है, अगर हम कॉनकेव मिरर का यूज देखें
तो इसका यूज जो है कार हेडलाइट्स में होता है, लाइट को ये क्या करता है, डिस्पर्स करता है। तो हेडलाइट ऑफ कार स्कूटर ये में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा सकता है, इसलिए डेंटिस्ट इसको जो इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, टीथ के बड़ा करके देखते हैं, यानी इसकी सहायता से इमेज बड़ा दिखता है। रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर में ये रिफ्लेक्टर के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा कॉनकेव मिरर का यूज। कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर जो है आपने गाड़ी में देखा होगा, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रक हो, चाहे स्कूटर हो, एक मिरर लगा होता है जो पीछे का व्यू हमको दिखाता है, रियर व्यू इमेज दिखाता है। तो रियर व्यू इमेज के लिए, चूंकि वो कॉनकेव मिरर की खास बातें होती है कि बड़ा एरिया कवर करता है और ऑब्जेक्ट की जो है वो साइज स्मॉल साइज में छोटे से एरिया को, बड़े से एरिया को छोटे से मिरर में दिखा देता है, इसलिए इसको जो है यूज किया जाता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, एनलार्ज एरिया का इमेज हमको दिखाता है। तो हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे का हमारी कौन सी गाड़ी आ रही है वो सब चीज़ें हमको स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज क्यों नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो इमेज को छोटा बड़ा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जाएगी और उस मिरर में वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू सी द रियर व्यू इमेज के रूप में यूज किया जाता है। अब आ गए लेंस। लेंस क्या होता है, तो देखिए ये भी जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें कि ये क्या होता है, तो ये जैसे ग्लास है, ग्लास बॉल है, स्फेरिकल ग्लास बॉल, और इसके दो ये पीस कट किए, ठीक है, और इन दोनों पीस को जैसे एक कनकेव सर ये और इसको एक दूसरा पीस है, इस तरीके से दोनों को ऐड कर दिया तो ये लेंस बन गया। या देखिए ये दो तरह के लेंस होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये जो ये सॉरी यहाँ जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा कॉनकेव होना चाहिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को हम लोग, ये नाम ये गलत है, ये आप इसको ना पढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ इसको, ये कॉनकेव लेंस है और ये लाइट को देखिए डिस्पर्स कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिस्पर्सिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस या इसको कन्वर्जिंग दें, यानी ये जो लाइट आ रही है इसको ये कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस क्या होता है, जैसे कि आपको समझाया कि लेंस इज ए डिवाइस दैट फोकस और डिस्पर्स ए लाइट बीम बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब वो लाइट को डिस्पर्स भी कर सकता है और क्या कर सकता है, कन्वर्ज भी कर सकता है। तो ये लेंस की खास बात होती है। लेंस यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, लेंस किसके बने होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं। लेंसेज आर आप दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए ये कर्व सरफेस है तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये देखिए कॉन्वेक्स सरफेस है दोनों साइड इसलिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इमेज कैसे बनता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज बनता है, कॉन्वेक्स यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज कंडीशन होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह होता है, और यहाँ पर कॉनकेव लेंस में जो मिरर इमेज कंडीशन होता है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। इसको एक थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं इसमें। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना ही छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, यानी रियल बनेगा। एक तो ये कंडीशन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना छोटा होगा, उसमें मिरर के पहले बनता था, इसमें मिरर के बाद बनेगा, ये चीज़ें अंतर। लेकिन स्मॉल होगा, रियल होगा, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक लाएं लेंस के तो ये इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है, और अगर एकदम नज़दीक ला दें, बहुत नज़दीक ला दें, तो इमेज जो होगा ये जो इमेज बनेगा वो लार्ज इमेज बनेगा और ये अपराइट यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। अपराइट या इरेक्ट होगा तो वर्चुअल हो, जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। कॉनकेव लेंस में क्या होता है,
कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में एक ही पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखिए, इमेज जो है वो छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो, यानी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में दो कंडीशन है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस में वन है, और मिरर में कॉनकेव मिरर में दो थी, कॉन्वेक्स मिरर में वन कंडीशन थी। अब यूजेज ऑफ लेंस, लेंस का यूज क्या है, तो लेंस जो है मेनली जो लेंस होते हैं वो माइक्रोस्कोप या जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें यूज होते हैं, और हमारे जो स्पेक्स होते हैं, जो पावर स्पेक्स होते हैं जिसमें इमेज को बड़ा करके दिखाया जाता है, तो स्पेक में जो यूज होता है, अगर हमें नियर ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इफ़ वी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो हम कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे यूज करते हैं। और दूसरी तरफ अगर स्पेक दूर की वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये लेंस का यूजेज हुआ। इसके बाद से जो है कि जो वाइट सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है, और वो वाइट कलर सेवन डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। ये अगर इस कलर इस तरीके का अगर हम कोई ले लें ऑब्जेक्ट और इसको रोटेट कराएं, स्पीडी रोटेट कराएं, तो ये कलर इस तरीके का वाइट दिखेगा। आपको कोई अलग अलग कलर नहीं दिखेगा, जब ये स्पीडी रोटेट होगा तो वाइट कलर का हो जाएगा। ये इसलिए ये बताने के लिए दिखाया जा रहा है कि ऑल द कलर्स, ऑल द सेवन डिफरेंट कलर्स क्या बनाते हैं, मिलकर वाइट कलर बनाते हैं। यानी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर ऑफ लाइट, दीज आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिनको हम लोग कॉमनली विब ग्योर कहते हैं, या हिंदी में बैनी आह पीनाला। यानी एक एक वर्ड के, एक एक लेटर का, एक एक कलर से रिलेटेड है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, सी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, और ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ठीक है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है सनलाइट, वाइट आर कलर्ड, जो सनलाइट सनलाइट होती है वाइट, तो यहाँ पर अगर जो वाइट कलर जो लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से पास कराएं तो वो सेवन डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में ऐसे स्प्लिट कर जाएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो स्प्लिट हो जाता है लाइट, इसमें जो सबसे ऊपर यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे नीचे होगा। तो ये अलग अलग कलर का हमने यहाँ शो किया है, रेड, ऑरेंज, यानी नीचे से भी ग्योर है, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है ना। तो ये है स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब इसके बाद से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे वीडियो हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी हम आपके लिए करते हैं, वो आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।